लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद मैं कह सकती हूं कि आज की ये सभा मेरे लिए ऐतिहासिक सभा हो गई, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ये मेरी अंतिम सभा है और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने वाली मेरी ये पहली सभा। आज इस समय जब आपके बीच में आई हूं तो पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार आया हुआ है। जिस तरफ जाओ तीन ही जय घोष सुनाई देते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद। और इसी के लिए मैं उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा और पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता प्रकट की है उसके लिए उनका अभिनंदन करती हूं। हमारी सेनाओं ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके प्रति नमन करते हुए उन्हें बधाई देती हूं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंक के खिलाफ लड़ने का जो सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट। अभी मुझसे बैठे बैठे आशीष पूछ रहे थे तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का क्या है? तो मैंने कहा तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का मतदाता करेगा, विपक्ष की इच्छाओं और आकांक्षाओं को धराशायी करके, राजनीतिक पंडितों के अनुमान और अंदाजों को गलत साबित करके, अपार बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनाकर तीसरी स्ट्राइक हिंदुस्तान में होगी जो मतदाता करेगा।